Hey everyone, this is Nikhil Gupta here and I hope you all are doing well. So, जैसे कि यार तुम सबको पता ही होगा सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न के अंदर बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कर दिया है, तुम्हारे एक की जगह दो एग्जाम वगैरह होने लग गए। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर वो एग्जाम पैटर्न डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि यार उस एग्जाम पैटर्न की वजह से कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो तुम्हें अपने स्टडी पैटर्न के अंदर लाने चाहिए, जिससे तुम्हारा जो जेई का स्कोर है या फिर अगर तुम नीट वाले बच्चे हो तो तुम्हारा जो नीट का स्कोर है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड यार कि तुम लोग वीडियो पूरी देखना, काफी बच्चे आधी वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, वो काम मत करना। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है वो वीडियो के एंड में डिस्कस करी जा रही हो और तुम उसको स्किप कर दो तो तुम्हारा लॉस हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। एंड चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर अब मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं कि यार क्या क्या चीजें तुम लोगों को अपने माइंड के अंदर अब रखने की जरूरत है। तो यार देखो, पहली चीज ये है कि तुम लोगों को अब 12th अपनी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यार तुम लोगों को नवंबर दिसंबर के अंदर 12th वाला एग्जाम देना है और उन लोगों ने अभी तक सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा है कि टर्म 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, टर्म 2 के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, वो सब चीजें अभी रिवील नहीं हुई है। होपफुली इस जुलाई के अंदर ही वो लोग रिवील कर देंगे, लेकिन फिर भी तुम लोगों के पास 4-5 महीने बचेंगे अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और एग्जाम डेट से एटलीस्ट 15 दिन पहले का तो तुम लोगों को गैप भी चाहिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो यार उस चीज का भी तुम लोगों को माइंड के अंदर ध्यान कि तुम्हारे पास जो ये 5 महीने थे उसमें से 15 दिन यानी 2 हफ्ते और कम हो गए हैं। तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए मैंने क्या चीज प्रपोज करी है कि यार देखो, यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनका सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ईएमआई तक जिनके चैप्टर्स हो चुके हैं, और दूसरी कैटेगरी यार वो होगी जिनका जो सिलेबस है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, फिलहाल वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही उलझे पड़े हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस तुम्हें अपने दिमाग के अंदर रखने हैं। तो यार फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चों को एक काम करना है, 70% टाइम जो है वो अपनी 12th के अंदर देना है एंड 30% टाइम देना है अपनी 11th की रिवीजन को। 11th रिवीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार पहले क्या करते थे हम लोग, नवंबर से लेकर दिसंबर वाला जो टाइम पीरियड होता था उसके अंदर हम लोग 11th जो है वो रिवाइज कर लेते थे, लेकिन अब यार वो वाला जो टाइम पीरियड है वो तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर चला जाएगा, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो हम लोग 11th रिवाइज करते थे अब वो नहीं हो पाएगी। तो 11th रिवीजन हम लोगों को अभी से करनी पड़ेगी। जिनका सिलेबस काफी डिसेंट अमाउंट में चल रहा है उन लोगों को 70% टाइम देना है अपने 12th के अंदर एंड 30% जिनका टाइम देना है अपने 11th के अंदर। अब यार ये जो 30% है ना, ये तब ही देना है जब ये 70% कवर हो जाए। यानी हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारे पास टाइम जो है वो ज्यादा नहीं था, मान लो रेगुलरली तुम लोग 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, और उस दिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे ही पढ़ पाए। उस दिन पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए कि तुम लोग रेगुलर डेज में 12th का जितना पढ़ते थे एटलीस्ट उतना कवर कर लो, और उसके बाद 11th के बारे में सोचना है। अब यार जो दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे जिनका सिलेबस जो है वो ज्यादा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर 12th का जो इनिशियल सिलेबस है उसी में वो लोग अभी उलझे पड़े हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सितंबर मिड तक 90% टाइम लगा दो अपने 12th के अंदर और 10% टाइम दो अपने दिन का 11th के अंदर। सेम यार वही चीज जो मैंने कैटेगरी 1 के लिए कही थी कि अगर तुम लोग किसी दिन कम पढ़ पा रहे हो तो पहले जितना तुम लोग 12th का रेगुलर पढ़ते थे उतना कंप्लीट कर लो, और उसके बाद 11th के बारे में सोचना। और यार एटलीस्ट 10 घंटे दोनों कैटेगरी को पढ़ना पड़ेगा, तो यार टाइम तुम लोग अपने आप देख लेना कि दिन के अंदर कैसे निकाल रहे हो। तो सितंबर मिड तक तो यही चलेगा कि 90% टाइम तुम लोगों ने दिया 12th के अंदर और 10% टाइम दिया अपने 11th के अंदर। अब यार सितंबर मिड के बाद क्या करना है, सितंबर मिड के बाद तुम लोगों को 80% 12th के अंदर देना है और 20% देना है अपनी 11th की रिवीजन के लिए। अब यार काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके जो है चैप्टर्स भी इनकम्प्लीट होंगे क्लास 11th के। तो देखो मैं क्या करता था ना, जिस दिन मैंने 12th का थियोरी वाला पार्ट ज्यादा करना है यानी मेरे को थियोरी ज्यादा पढ़नी है और क्वेश्चंस थोड़े से कम लगाने हैं, उस दिन मैं 11th के क्वेश्चन वाला पार्ट उठा लेता था ताकि इधर से थ्योरी जो है वो मेजर पोर्शन हो जाए और इधर से क्वेश्चन जो है वो मेजर पोर्शन हो जाए। और जिस दिन यार मेरे को 12th के क्वेश्चन ज्यादा लगाने होते थे उस दिन मैं 11th का थ्योरी वाला पार्ट उठा लेता था। तो यार इस चीज से होता क्या, यार थोड़ा सा दिमाग के अंदर ना बैलेंस बन के रहता है। अगर एक ही दिन तुम सारी थ्योरी पढ़ते जा रहे हो तो ये और वो थोड़ी थोड़ी मिक्स हो जाती है और कुछ नया ही प्रोडक्ट बन के आ जाता है, तो हम लोगों को वो वाला काम नहीं करना है। और एक चीज का खास ध्यान रखना कि नवंबर 15th तक या नवंबर 20th तक हम लोगों का जो हमारा सिलेबस है 12th का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 11th से हमको कोई मतलब नहीं है यार, 11th का कंप्लीट हो ना हो, 11th का जो पोर्शन काफी सारा रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को 20th नवंबर तक अपना 12th वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। सो अब जो सेकंड थिंग है जो तुम लोगों को अपने स्टडी प्लान के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी वो है तुम्हारी एनसीईआरटी रीडिंग एज वेल एज तुम्हारे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स प्लस योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्योंकि यार इस समय एमसीक्यू टाइप पेपर होने वाले हैं तो फिर यार मोस्टली चांसेस है कि तुम्हारे जो एमसीक्यू है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठा के डायरेक्ट पूछ लिए जाए। तो यार एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक मेजर फोकस रहने वाला है, इसके लिए टाइम तुम लोगों को अपने डेली शेड्यूल में से ही निकालना पड़ेगा। प्लस एक काम और करना है कि यार एनसीईआरटी रीडिंग को एक अच्छी प्रायोरिटी देनी है। केमिस्ट्री के अंदर तो यार हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग को एक अच्छी प्रायोरिटी देते ही थे, लेकिन इस बार से हम लोगों को मैथ्स को भी एक थोड़ी सी अच्छी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब यार मैथ्स के अंदर तुम लोगों को एनसीईआरटी रीड आउट नहीं करनी, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है,
क्योंकि चांसेस हैं कि यार एनसीईआरटी के एग्जांपल्स डायरेक्ट उठ के पेपर के अंदर आ जाए। अब यार थर्ड थिंग जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेई मेंस वाले क्वेश्चन सीबीएसई में आने वाले हैं, लेकिन मैं यार ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जेई मेंस वाले क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आ सकते। देखो जेई मेंस के अंदर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो यार तुम लोगों को जेई मेंस के थ्योरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको लगा के देखना है, क्योंकि यार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली सीबीएसई में आराम से आ सकते हैं। यार तुम लोग देख लेना कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो जेई मेंस के अंदर पूछे गए हैं जो तुम लोगों को ज्यादा टफ ना लग रहे हो, जिसके अंदर ज्यादा हाई लेवल अप्रोच ना यूज करी हो, तो वो वाले क्वेश्चंस तुम लोग सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे साथ साथ। यार अब मैं तुम लोगों को एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखो अभी तक सीबीएसई ने कुछ डिक्लेयर नहीं करा है यार इतने चैप्टर जो है वो टर्म वन में आने वाले हैं और इतने चैप्टर जो है वो टर्म टू में आने वाले हैं। फिर भी अगर यार मैं अपनी तरफ से एक रफ एजम्पशन देना चाहूँ तो अगर यार हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो अगर तुम लोगों ने ईएमआई से पहले पहले वाले चैप्टर्स कर लिए हैं इंक्लूडिंग ईएमआई, तो यार तुम एक काफी ज्यादा सेफ एज पे हो इन केस ऑफ फिजिक्स। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो यार देखो केमिस्ट्री का बाइफर्केशन वो लोग काफी ज्यादा टाइप से कर सकते हैं। हो सकता है कि वो एक एक चैप्टर तीनों के डाल दे, फिजिकल के भी, इनऑर्गेनिक के भी, ऑर्गेनिक के भी, लेकिन यार मेजरली जो मेरे को लग रहा है वो ये होने वाला है कि पी ब्लॉक से पहले पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो टर्म वन में आ जाएंगे और पी ब्लॉक के बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो टर्म टू के अंदर आ जाएंगे। तो अगर यार तुम लोगों ने पी ब्लॉक तक पढ़ लिया है तो मैं ये तुम लोगों से कहना चाहूंगा कि यू आर ऑन अ सेफ एज इन केस ऑफ केमिस्ट्री। और अगर यार मैथ्स की बात करें तो मेरे को जहां तक लगता है कि यार इंटीग्रेशन यानी कि जो हमारा सेवंथ चैप्टर है वहां तक अगर तुम लोगों ने कर लिया है इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन, तो यार यू आर ऑन अ सेफ एज। अब यार इसके अलावा सीबीएसई बहुत ही जल्द रिलीज कर रहा होगा, तो जितना भी ये एजम्पशन है तब चेक हो ही जाएगा कि एजम्पशन ठीक है या नहीं, लेकिन अभी के लिए तुम लोग ये वाला एजम्पशन मान के चल सकते हो। अब यार देखो मेरे को पता है कि काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी वाला टाइम चल रहा है, काफी ज्यादा तुम्हारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहे होंगे, काफी सारे बच्चे इस समय पैनिक हो रहे होंगे कि यार पता नहीं हम लोगों ने ऐसा क्या करा था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और जो बाकी बोर्ड्स के बच्चे उनको तो एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि उनका तो ऐसा हो नहीं रहा ना, दो दो पेपर, उनको तो एक ही पेपर देके जाने। यार देखो तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि यार ये सिर्फ तुम्हारे इकलौते के साथ नहीं हो रहा, पूरी जितनी भी जेई स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है सबके साथ ही होने वाला है, तो तुम लोगों को इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सबके साथ सेम सिचुएशन है, सब सेम ही सर्कमस्टांसेस को फॉलो कर रहे होंगे, तो यहाँ पे यार एडवांटेज तो किसी को भी नहीं है। अब यार यहाँ पे जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट है कि यार जो अदर स्टेट बोर्ड से जो बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा ये लग रहा होगा कि यार उनके पास एक अपर एज है या फिर उन लोगों को एक हेल्प मिल रही है, एक एडवांटेज मिल रहा है तुम लोगों के ऊपर, तो यार एक चीज को समझो, आज तक सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को एक एडवांटेज मिल रहा था। वो एडवांटेज क्या था कि तुम्हारी जो सीबीएसई की एनसीईआरटीज हैं डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस आ जाते थे, लेकिन अदर स्टेट्स के साथ ये नहीं हो रहा था, तो उन लोगों को सीबीएसई वाली एनसीईआरटीज भी पढ़नी पड़ रही थी। तो तुम लोग खुद भी तो सोचो कि तुम्हारे पास भी तो एडवांटेज है कि तुम लोगों को कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी पड़ रही, तुम्हारी तो वही टेक्स्ट बुक है और वही तुम लोग पेपर के अंदर दे रहे हो, बल्कि उन लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अपनी टेक्स्ट बुक जो है पेपर वाइज पढ़नी पड़ रही है बोर्ड के लिए, और उसके साथ साथ तुम्हारी टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ रही है जेई के लिए। तो यार वहां पे भी ऐसा एज सच कोई एडवांटेज वाली बात है नहीं, तो तुम लोगों को एकदम मतलब ऐसे डिसहार्टन नहीं हो जाने की यार हम लोगों के साथ ही बुरा हो रहा है, सबके साथ सेम ही सिचुएशन है, सब सेम ही चीजें फेस कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एक्चुअली मेरा भाई भी जेई की तैयारी कर रहा है, 12th के अंदर ही है, तो यार मैंने उसको भी रात में यही चीज समझाई है और तुम लोगों को अपना छोटा भाई बहन मानते हुए यही चीज समझा रहा हूँ कि यार देखो इतनी ज्यादा पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है, सब चीजें नॉर्मल ही चल रही है। तो आई होप यार कि तुम्हारे माइंड के अंदर जो भी एंजाइटी वाला फेज वगैरह चल रहा था वो इन सब बातों से क्लियर हो चुका होगा, अब तुम लोगों को अपना गोल जो है वो दिख रहा होगा। सो अगर ऐसा हो रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मेरे को मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर तुम लोग रीच आउट कर सकते हो, एंड आई होप कि वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, 500 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी जल्दी, एंड हम मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज, स्टे सेफ एंड बाय बाय।